गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम एक ना बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज या बहुत ही इम्पोर्टेंट रोग के बारे में पढ़ रहे हैं। उसे कहते हैं रेबीज रोग। ठीक है, देखिए बच्चों, जरूरी नहीं है कि ये रेबीज रोग जो हम पढ़ रहे हैं ये केवल बायोलॉजी वालों के लिए जरूरी है। कंपटीशन एग्जाम में रेबीज से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, कब की थी। और तो और, जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर, चाहे व्यक्ति आर्ट्स का विद्यार्थी हो, चाहे किसी का भी विद्यार्थी हो, हम सभी को, चाहे आप किसी भी फील्ड के हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, ठीक है, चाहे आप कहीं भी रहते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, सभी को रेबीज रोग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों, हम क्या इस रोग को मजाक में लेते हैं? हमारी नज़रों में क्या है, कैंसर बहुत खतरनाक रोग है, एड्स बहुत खतरनाक रोग है, कोरोना बहुत खतरनाक रोग है, और रेबीज को तो बेचारे कोई इज्जत ही नहीं दे रहा है। अरे भैया, रेबीज भी बहुत खतरनाक रोग है। जितना खतरनाक एड्स होता है, जितना खतरनाक कैंसर होता है, जितना खतरनाक कोरोना होता है, उतना ही खतरनाक रेबीज होता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में एक बार रेबीज के लक्षण प्रकट हो जाते हैं तो फिर उस व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता है, उस व्यक्ति की जरूर मृत्यु होती है। आ रही बात आपको समझ में? देखिए, हम पढ़ रहे हैं रेबीज रोग के बारे में। यह रोग रेबीज वायरस द्वारा होता है। जो रेबीज रोग है बच्चों, वो किसके द्वारा होता है? वो रोग रेबीज वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, रोग का संक्रमण किस प्रकार से होता है, मतलब कि यह रोग फैलता कैसे है? देखिए, यह रोग पागल कुत्ते, बिल्ली, भेड़िया, लोमड़ी एवं बंदर आदि के काटने से होता है। क्योंकि इन जानवरों की लार में रेबीज रोग के वायरस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेबीज रोग के वायरस पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोई पागल कुत्ता हो गया, कोई लोमड़ी हो गई, ठीक है, कोई भेड़िया हो गया, कोई बंदर हो गया, या कोई अन्य छोटा मोटा मांसाहारी प्राणी है, अगर वो मानव को काट लेता है या हमें काट लेता है, तो हमें क्या हो सकता है? रेबीज रोग हो सकता है। क्योंकि उन जानवरों की लार के अंदर रेबीज वायरस पाए जाते हैं। ठीक है, जब वो हमें काटते हैं तो हमारे रक्त में अपनी लार छोड़ देते हैं और लार के साथ में रेबीज वायरस भी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि किसी कुत्ते के काटने पर ही रेबीज रोग हो। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही चोट लगी हुई है, ठीक है, और कुत्ता आकर अगर उस चोट को चाट ले या उस चोट पर अपनी लार गिरा दे या अपना थूक गिरा दे, ठीक है, तो भी क्या हो सकता है बच्चों? व्यक्ति को रेबीज रोग हो सकता है। ठीक है, रेबीज रोग के लक्षण देखिए इस रोग के लक्षण अगर प्रकट हो जाते हैं तो मृत्यु निश्चित है। जैसे ही कुत्ता काटे या बंदर काटे, तुरंत भाग के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में रेबीज के टीके लगवा लीजिए। हाथ पर लगेंगे 3 टीके और आपको रेबीज रोग नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होता है? लेकिन अगर हम मजाक में ले लें, अरे क्या है, कुत्ते ने थोड़ा सा पंजा ही तो लगाया था, अरे क्या है, अपना तो शेर है, अपने क्या फर्क पड़ता है कुत्तों से, खूब आते कुत्ते, तो क्या हो जाएगा? इंसान की फिर क्या हो सकती है? बैंड भी बज सकती है। ठीक है, तो इस रोग के लक्षण अगर एक बार प्रकट हो गए ना बच्चों, एक बार अगर कुत्ता काट गया और रेबीज का इलाज ठीक से नहीं करवाया, और अगर थोड़ा भी लक्षण प्रकट हो गया रेबीज का, थोड़ा भी, तो फिर मृत्यु होना निश्चित है। ठीक है, इसके लक्षणों में क्या होता है बच्चों? हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जल से आतंक हो जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति को रेबीज हो गया ना, उसको जल से डर लगने लग जाता है। ठीक है, अगर मैं एक बिजली का तार ले लूं हाथ में और किसी व्यक्ति के पास में जाऊं, ले ले ले, तो वो भागेगा दूर। ठीक है, या मैं हाथ में एक बम ले लूं, ठीक है, और उसकी पिन निकाल के बोलूं ले ले, तो आदमी कैसे करेगा? नहीं 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 नहीं, या चाकू लेके किसी के पास जाए तो भी नहीं नहीं, ठीक है ना। तो बच्चों, ऐसी स्थिति हो जाती है यहाँ पर रेबीज रोग के अंदर कि अगर पानी का गिलास लेके जाओगे ना उसके सामने, तो उसको ऐसा लगेगा जैसे कोई बम लेकर आ रहा है, जैसे कोई बिजली का तार लेकर आ रहा है, डरेगा पानी से। मैंने एक जगह देखा था एक रेबीज के मरीज को, जैसे ही उसके पास में पानी लेके जा रहे थे ना, लो अंकल जी पानी पी लो, आपने सुबह तक पानी नहीं पिया, नहीं 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 नहीं, पानी से ऐसा डर लग रहा था। अरे बच्चों, पानी को पीना
पीने से बहुत ज्यादा डर लगता है, और पानी को पीना तो छोड़ो देखने से डर लगता है, और देखना तो छोड़ो अगर पानी का नाम भी ले लिया ना रेबीज के मरीज के सामने कि पानी पीना है क्या, दौरा पड़ने लग जाएगा। जैसे ही पानी पिलाओगे उसको क्या पड़ने लग जाएगा, रेबीज का दौरा पड़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी पीते समय गले के अंदर और सीने के अंदर बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, साथ ही साथ में दौरा भी पड़ने लग जाता है। ठीक है, यह पागल जानवर, देखो जब पागल जानवर व्यक्ति को काट लेता है तो 4-5 दिन बाद काटने के स्थान पर सूजन आ जाती है। किसी कुत्ते ने राजेश के पैर पर काट लिया, 4 दिन बाद राजेश के जहां काटा था ना पैर पर, वहां सूजन हो जाएगी, सूज जाएगा वो स्थान। ठीक है, द्रव पीते समय दौरा पड़ता है, जैसे ही राजेश को पानी पिलाओगे भागेगा उछल उछल के, मैंने पीऊंगा, डरेगा ऐसे। ठीक है, मुख से झाग निकलने लग जाएंगे राजेश के, पानी से डर लगने लग जाएगा। ठीक है, पागल व कुत्तों जैसी हरकतें करने लग जाता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि जो रेबीज रोग के वायरस है ना, वो सीधे रोगी के मस्तिष्क पर अटैक करते हैं, ब्रेन पर अटैक करते हैं, और जब वायरस ब्रेन पर अटैक करेगा तो ब्रेन ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, जिसकी वजह से जो रोगी है रेबीज का वो पागलों जैसी हरकतें करेगा, कुत्तों जैसी हरकतें करेगा, यहाँ वहाँ थूकेगा। ठीक है, भोजन करते समय जीभ निकालेगा, ऐसे करेगा जैसे डॉग करता है ना। ठीक है, तेज से सांस लेगा, यहाँ वहाँ सूंघेगा दीवारों को, आ रही ऐसे कुत्तों जैसी हरकतें करने लग जाएगा, मुंह से झाग निकलने लग जाएंगे। ठीक है, और कुछ समय पश्चात इसकी क्या हो जाएगी, अगर ठीक तरह से इलाज नहीं करवाया तो मृत्यु भी हो जाएगी। आ रही है बात आपको समझ में? ठीक है, तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, रोग से बचाव व उपचार किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, तो इधर आप देखिए, जो कुत्ता काटा है रोग से बचाव और उपचार के बारे में देख लो आप एक बार। जो कुत्ता काटा है उस पर 10 दिनों तक निगरानी रखनी चाहिए। यदि कुत्ता 10 दिनों बाद पागल हो जाए या मर जाए तो तुरंत रेबीज के टीके लगवा लेने चाहिए। जैसे राजेश जा रहा था साइकिल पर मजे से और कुत्ता आकर राजेश को काट गया। ठीक है, तो अब राजेश को क्या करना चाहिए, उस कुत्ते पर रोज नजर रखनी चाहिए कि यार ये कुत्ता 10 दिन तक नजर रखनी चाहिए कि कुत्ता पागल तो नहीं है, कहीं कुत्ता मर तो नहीं गया साला। तो क्या हो सकता है, ये कुत्ता पागल था, मुझे तुरंत क्या करवा लेना चाहिए, रेबीज का इलाज करवा लेना चाहिए। ठीक है ना, रेबीज के टीके का आविष्कार लुईस पाश्चर ने 1885 में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके की दृष्टि से कि रेबीज के टीके का आविष्कार कब किया था, 1885 में किया था, सॉरी 1885 में किया था। किसने किया था, लुईस पाश्चर ने किया था। ठीक है, पहले पेट में 14 टीके लगाए जाते थे। पहले क्या होता था, किसी को कुत्ता काट गया है, कोई जानवर काट जाता था ना, तो उसको रेबीज रोग के 14 टीके लगाए जाते थे, यानी कि 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे, वो भी पेट में। और पेट में तो एक छोटी सी सुई भी चुभती है ना बच्चों, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो बताओ कितनी पीड़ा पहुँचती होगी पेट में 14 इंजेक्शन ठुकवाना, बहुत दर्द होता होगा। तो फिर क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, अब केवल 3 ही टीके लगाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने क्या देखा, यार 14 टीके पेट में लगाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है पेशेंट को, तो अपन ऐसा टीका बनाते हैं जिनकी संख्या भी कम हो और जिसको हाथ में लगा सके। तो अब कितने टीके लगाए जाते हैं, अब केवल 3 ही टीके लगाए जाते हैं, वो भी हाथ में लगाए जाते हैं। इस टीके का नाम क्या है बच्चों, इस टीके का नाम है मेरिकक्स ह्यूमन हिप्लोइड कोशिका टीके। इन टीकों को क्या कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है रेबीज के टीके का नाम लिखिए, तो क्या लिखोगे आप, मेरिकक्स टीके, ह्यूमन हिप्लोइड कोशिका टीके, मेरिकक्स ह्यूमन हिप्लोइड कोशिका टीके। ठीक है, रेबीज के टीके का नाम क्या है बच्चों, मेरिकक्स ह्यूमन हिप्लोइड कोशिका टीके। ठीक है, तो और बात सुनिए आप जरूरी, देखिए मैं आपको कुछ मजेदार बात बताता हूँ। देखिए मैं अभी भी आपको ये बोलूंगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जरूरी नहीं केवल बायोलॉजी वालों के लिए जरूरी है, ये हर फील्ड के व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि हर इंसान को अपनी जान प्यारी है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सभी को अपनी जान प्यारी है। तो आपको इस रोग के बारे में पता होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप देखिए वीडियो को पूरा और समझिए। देखो अगर किसी को कुत्ता काट जाए या किसी को कोई जानवर काट जाए तो मालूम है क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो तुरंत ना स्वच्छ पानी से घाव को धो लेना चाहिए,
अच्छे से, ठीक है। और धोते समय जैसे डिटोल साबुन का यूज कर लिया, अच्छे से 10 मिनट तक हाथ को धो लिया, ठीक है, जहां पर या जहां पर भी काटा है ना वहां धो लिया डिटोल साबुन का उपयोग करते हुए, ठीक है। चाहे तो आयोडीन युक्त जल से भी धो सकते हैं, जैसे आयोडीन डाल दी और फिर अच्छे से धो लिया। इससे क्या होता है बच्चों, जो कुत्ते की लार लगी है ये और जो लार में जो वायरस है उसकी मात्रा कम हो जाएगी घाव को धोने से। फिर क्या करना चाहिए, तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके रेबीज के टीके लगवा लेने चाहिए और रेबीज का सब पूरा इलाज करवाना चाहिए। रेबीज का कभी भी आधा अधूरा इलाज नहीं करवाना चाहिए। और एक मजेदार बात सुनो बच्चों, रेबीज के लक्षण प्रकट होने में 4 दिन भी लग सकते हैं और 6 साल भी लग सकते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को है ना, किसी व्यक्ति को माना कि 1 तारीख को कुत्ता काटा ना, तो 4 तारीख तक उसमें लक्षण प्रकट हो सकते हैं और चाहे तो 6 साल के अंदर कभी भी लक्षण प्रकट हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि कुत्ता ने शरीर के किस भाग पर काटा था और जिस कुत्ते ने काटा था वो कितना पागल था, उसके लार में वायरस की संख्या कितनी थी, वायरस ज़्यादा एक्टिव थे या कम एक्टिव थे, इस पर निर्भर करता है। जैसे एक आदमी था उसको 6 साल पहले कुत्ता काटा था, 6 साल पहले, अब उसने क्या किया, गांव के व्यक्ति थे, अब गांव के व्यक्ति भोले वाले होते हैं कहीं बेचारे, उन्होंने सोचा चलो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। अब हुआ क्या, 6 साल बाद अचानक उनमें रेबीज के लक्षण उत्पन्न हो गए, ठीक है। अब क्या हो रहे हैं, वो कुत्तों जैसी हरकतें कर रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वो उन बेचारे उन व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी कुछ दिनों बाद। आ रही बात आपको समझ में, तो जरूरी नहीं है कि काटने से ही हो रहा है, अगर किसी कुत्ते ने लार भी गिरा दी है, किसी कुत्ते ने ऐसे पंजा अड़ा दिया हमारे, उससे भी रेबीज हो सकता है। तो तुरंत क्या कर लेना चाहिए, इलाज करा लेना चाहिए। और जो यहाँ पर एक बात कही गई है कि अगर कुत्ता काटे तो जिस कुत्ते ने काटा उस पर 10 दिन तक नजर रखो, अगर 10 दिन बाद वो पागल हो जाए मर जाए तो रेबीज का इलाज करवाओ। मैं इस विषय में भी ये कहना चाहूँगा, अरे छोड़ो कुत्ते को, आजकल किसी के पास टाइम नहीं है कि कुत्तों पे नज़र रखते रहेंगे, अपने ऊपर नज़र रखेंगे, कुत्तों पे नज़र रखेंगे। जैसे ही कुत्ते ने कुछ भी हरकत की है ना आपके साथ, तुरंत जाके चाहे आपको काटा हो, चाहे अगर कुत्ता थोड़ा सा आपकी पैंट भी पकड़ लेता है, ठीक है, पैंट भी पकड़ लेता है और आपके चोट भी नहीं लगी है, तो भी हमें रेबीज का तुरंत टीका लगवा लेना चाहिए हाथों के अंदर जाकर, क्योंकि ये सेफ रहता है। क्योंकि जान से हमारे जो जीवन है उससे मजाक कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना आपको ऐसी नई नई जानकारियों के बारे में बताता रहूँगा, ठीक है। और इस रेबीज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी अपना ख्याल रखिए।